Welcome to Mishika classes. Today's topic is the shapes. आज की क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं शेप्स के बारे में. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Shapes क्या होती हैं, shapes किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए what is the meaning of shape, or we can say that what do you mean by shapes. Shapes is defined as the form of objects and its outline टू इट्स आउटर सर्फेस. शेप्स किसे कहा जाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप क्या, उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो दिखने में कैसी दिख रही है, दैट इज नोन एज इट्स शेप. उसके हम क्या डिफाइन करते हैं, उसको उसकी शेप के बारे में डिफाइन करते हैं. शेप्स इज ऑफ टू टाइप्स. शेप्स दो टाइप्स की होती हैं, द टू डायमेंशनल शेप्स एंड द थ्री डायमेंशनल शेप्स, 2D एंड द 3D. वॉट इज द मीनिंग ऑफ 2D शेप्स एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ 3D शेप्स. 2D शेप्स किसे कहते हैं और 3D शेप्स किसे कहते हैं, वी विल नाउ डिस्कस वन बाय वन देम. अब हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे कि 2D शेप्स किसे कहा जाता है और 3D शेप्स किन्हें कहा जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग 2D शेप्स एंड द 3D शेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2D शेप्स. सबसे पहले हम किन के बारे में बात करने वाले हैं, 2D शेप्स के बारे में बात करने वाले हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D शेप्स. 2D शेप्स कैसे कहते हैं, टू डायमेंशनल शेप्स. टू डायमेंशनल शेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसे कहते हैं, वो शेप्स जिसको सिर्फ आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो. कौन सी शेप्स होती हैं, द शेप्स विच वी कैन ड्रॉ ओनली ऑन द पेपर, जिसको हम सिर्फ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं. वी कांट टच इट, वी कांट लिफ्ट इट, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको उठा नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उनको देख सकते हैं, वी कैन सी इट. ओके, वॉट आर दैट शेप्स, कौन कौन सी है हमारी शेप्स. फर्स्ट इज सर्कल. What it is? Circle. सबसे पहली कौन सी शेप हमारी, सर्कल की. What is the meaning of circle? Circle किसे कहते हैं, सर्कल हैव अ सेंटर इन इट. सबसे पहला क्या होता है, सर्कल में एक सेंटर होता है जिसके अराउंड जब हम सेंटर से इसकी बाउंड्री को, मीन्स इसकी बाउंड्री को अगर हम मेजर करें तो ये सारी की सारी जो लेंथ है वो इक्वल आती है, दैट फिगर इज नोन एज इट्स सर्कल. उसको हम क्या कहते हैं, उसका वो फिगर क्या होगी, सर्कल होगी. मीन्स मैंने सेंटर से कहीं पर भी अगर मैं डिस्टेंस को मैं चेक करती हूँ, अगर वो डिस्टेंस सेम आता है, इक्वल आता है, देन इट इज कॉल्ड सर्कल शेप. उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल शेप होती है. इसका कोई भी मतलब क्या कह सकते हैं कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर एंड. इसका एग्जाम्पल्स क्या है, कौन कौन सी जगह हम सर्कल को देख सकते हैं. सर्कल को हम देख सकते हैं बेसिकली इन द व्हील. कहाँ देख सकते हैं, व्हील की फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग की फॉर्म में भी होता है सर्कल. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, इसको हम लोग जो इसका डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इट्स रेडियस. क्या कहा जाता है इसको, रेडियस. व्हाट आर इज कॉल्ड, आर इज कॉल्ड रेडियस. रेडियस क्या होता है, बेसिकली द डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू इट्स आउटर सर्फेस. जो इसकी आउटर लाइन है सेंटर से लेकर उसकी उस लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं. नाउ जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर. एंड इन जनरल वी रिप्रेजेंट इट विद ओ. जनरली हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर सर्फेस. आउटर सर्फेस को हम क्या कहते हैं, जो लाइन बाहर की जो हमने ड्रॉ करी है, व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. क्या कहा जाता है इसको, सर्कमफेरेंस. जो भी हमारी आउटर लाइनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस. दिस इज ऑल अबाउट सर्कल. ये सर्कल के बारे में था. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिगर. व्हाट इज नेक्स्ट फिगर, द नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर. नेक्स्ट फिगर कौन सी हमारी, स्क्वायर. व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर किसे कहते हैं, इट इज अ फोर साइडेड फिगर. ये एक फोर साइड की फिगर है, हैविंग इक्वल लेंथ. इसकी जो चारों की चारों साइड्स होती हैं उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होती है, इक्वल होती है. ईच साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ. हर एक साइड कितनी लेंथ की होती है, इक्वल लेंथ की होती है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर. इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर. द नेक्स्ट फिगर इज जस्ट सिमिलर टू इट. जो नेक्स्ट फिगर है हमारी, ये तो स्क्वायर है और जो नेक्स्ट फिगर है वो भी इसकी जैसी ही है, इसके सेम है. द डिफरेंस इज क्या है, इट इज ऑल्सो फोर साइडेड फिगर. ये भी एक फोर साइडेड फिगर है. दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. ये क्या है हमारी, ब्रेथ.
एंड व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। देखो देखने में दोनों सेम है, क्या सेम है, डिफरेंस क्या है इसमें? द डिफरेंस इज उस स्क्वायर के अंदर हमारे जो चारों की चारों साइड्स है दैट हैव इक्वल लेंथ, जो चारों साइड्स है ईच साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या है, द अपोजिट लेंथ मींस दिस एंड दिस आर इक्वल एंड दिस एंड दिस आर इक्वल। टू लेंथ जो हमारी ये वाली होती है इनको हम क्या कहते हैं, लेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेथ। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ फिगर इज ऑफ इक्वल लेंथ, जो अपोजिट साइड्स हैं वो किसकी होती है, इक्वल लेंथ की होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, जो हमारी ये फोर की फोर साइड्स हैं ये इक्वल लेंथ की होती हैं, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिगर, अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। What is our next two-dimensional figure? The next two-dimensional figure is a triangle. What it is? It is called as triangle. What is the meaning of triangle? A figure having three sides. Jo figure, jiski kitne sides hongi? Three. One, two and three. Okay, what is triangle? I'm repeating once again. A figure having three sides. थ्री साइड्स मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है कि आपकी हर बारी जो थ्री साइड्स है ये इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। बस क्या डिफरेंस है कि इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं आगे। फर्स्ट वन इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, जो थ्री की थ्री साइड्स हैं वो क्या हो, इक्वल होती हैं, उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स, यानी कि ये तीनों की तीनों साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर अगर हमें तीनों साइड्स इक्वल होती है तो हमारे जो तीनों एंगल्स होते हैं, यानी कि ये कहते हैं एंगल्स, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एंगल। व्हाट इज एंगल? ये जो पॉइंट जहां पर ज्वाइन कर रहे हैं वो कितने पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इट्स एंगल। और ये क्या होती है, साइड। व्हाट इज साइड? द लेंथ, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसकी लेंथ कितनी है उसे हम क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर आइसोसेलेस। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? इन विच टू साइड्स आर इक्वल एंड वन इज अनइक्वल। इसके अंदर क्या होती है, टू साइड्स आर इक्वल, इसमें कोई भी दो साइड्स ही इक्वल हो सकती हैं, एक साइड क्या होगी आपकी, अनइक्वल होगी। एंड द थर्ड वन इज स्केलन, जो तीसरी साइड कौन सी होती है हमारी, स्केलन ट्रायंगल्स होती हैं। स्केलन ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है, ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल। स्केलन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, सारी की साइड्स ही अनइक्वल होती हैं। सेम वैसे ही एंगल्स के केस में होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है तो इसके दो ही एंगल इक्वल होंगे, और स्केलन साइड ट्रायंगल के अंदर क्या, सारी के सारी साइड्स क्या है, अनइक्वल है, तो इसके सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल। ये हमारा क्या था, ट्रायंगल था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिगर, अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट फिगर? द नेक्स्ट फिगर इज ओवल शेप। नेक्स्ट फिगर किसे कहते हैं, ओवल शेप। दिस इज नोन एज ओवल शेप। अब सर्कल और ओवल में क्या डिफरेंस है? दिस इज सर्कल, ये सर्कल है हमारा, और ये क्या है, हमारा ओवल शेप है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सर्कल एंड द ओवल? सर्कल के अंदर क्या है, सेंटर से लेकर सारे के सारे जो डिस्टेंस होते हैं सर्कमफ्रेंस के लिए, ये इक्वल होते हैं, बट इन केस ऑफ ओवल, ओवल के केस में ये जो डायमेंशंस होती हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारा सेंटर से लेकर उसके सर्कमफ्रेंस तक, ये क्या होता है, अनइक्वल होता है। सभी साइड सभी जो डायरेक्शंस होते हैं वो हमारा इक्वल नहीं होता। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, यही बेसिक डिफरेंस है। सर्कल के केस में क्या है, सारी डायमेंशंस क्या होंगी, मतलब अगर आप सेंटर से
उसके सर्कमफ्रेंस पे, अगर हम उसका डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सभी डायरेक्शन क्या होंगी, इक्वल होंगी, बट इन केस ऑफ ओवल, ओवल के केस में क्या होगा, वो अनइक्वल होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स दैट वी हैव डिस्कस ऑफ टू डायमेंशनल। अब भैया हमने जो डिस्कस करी थी सारी की सारी शेप्स कौन सी कैटेगरी में आती है, द टू डायमेंशनल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्री डायमेंशनल। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, थ्री डायमेंशनल के बारे में बात करेंगे। वॉट इज द मीनिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल? थ्री डायमेंशनल फिगर्स उन्हें कहते हैं जिनकी, जिन फिगर्स को हम, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम टच कर सकते हैं, हम होल्ड कर सकते हैं, दैट ऑल आर नोन एज योर थ्री डायमेंशनल फिगर्स। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उनके साथ हम खेल सकते हैं, उनको लिफ्ट कर सकते हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट्स किसके अंदर आते हैं, हमारे थ्री डायमेंशनल फिगर्स के अंदर आते हैं। दे आर समवट अबाउट द सेम, जो उसके डायमेंशन है, जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो काफ़ी हद तक सेम ही हैं टू डायमेंशनल के। डिफरेंस क्या है, वो सिर्फ पेपर पर ड्रॉ होते हैं और इनको हम सब लिफ्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट फिगर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज क्यूब। सबसे पहले हम जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, हमारा क्यूब। दिस इज नोन एज क्यूब। ये हमारा क्या बन गया, क्यूब। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। दिस इज क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब के अंदर एज सेम ऑफ स्क्वेयर, क्यूब कैसा होगा हमारा, बिल्कुल स्क्वेयर की तरह होता है सेम। और जो क्यूबॉइड है वो किसकी तरह सेम होता है, हमारा रेक्टेंगल की तरह होता है। ओके कैसे, सी क्यूब स्क्वेयर में क्या था कि हमारी सारी साइड्स इक्वल थी, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल लेंथ, सारी की सारी साइड्स क्या थी हमारी, इक्वल थी। क्यूब के अंदर भी क्या होता है, जितने भी हमारे फेसेस हैं, व्हाट आर फेसेस, दिस इज फर्स्ट फेस, दिस इज सेकेंड फेस, दिस इज थर्ड फेस। अब इसके जो पीछे बनेगा, आई एम ड्रॉइंग इज डॉटेड, मैं इसको डॉटेड ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जो बैक साइड में डॉटेड बन रहे हैं कि ये वाला दिस इज फोर्थ, इसकी बैक साइड में वाला ये फिफ्थ और ये नीचे वाला सिक्स, ये सारे के सारे जो सिक्स फेजेस हैं ये क्या होंगे, हमारे इक्वल डायमेंशंस के होंगे। ओके बट इन केस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होगा, सेम रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट डायमेंशंस क्या थी हमारी, इक्वल थी, अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेम वैसे ही इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अपोजिट फेजेस, यानी कि दिस वन ये किसके इक्वल होगा, जो इसके बैक साइड में बनेगा, ये टॉप वाला है इसके, ये किसके इक्वल होगा, जो बॉटम में बनेगा, ये कौन सा है, ये राइट साइड वाला है, तो इसके लेफ्ट साइड वाला वो इक्वल डायमेंशन को होगा। सेम वैसे ही जैसे रेक्टेंगल में था, रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट जो लेंथ थी वो इक्वल थी, बट इन केस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के केस में क्या होगा, जो हमारे अपोजिट फेजेस होंगे वो इक्वल होंगे। बट इन केस ऑफ क्यूब, जैसे स्क्वेयर में सारी साइड्स इक्वल थी, क्यूब में सारे के सारे फेजेस क्या हैं, इक्वल हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स, अब हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करें। क्यूब का एग्जांपल क्या है, डाइस। क्यूब का एग्जांपल क्या है, डाइस, जो हम खेलते हैं ना लूडो एंड स्नेक्स में, लूडो स्नेक एंड लैडर, इसमें जो हमारा डाइस होता है, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ क्यूब। एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या है, अलमीराज, जो जनरली जो अलमीरा की जो शेप होती है, दैट इज ऑफ क्यूबॉइडल शेप, वो क्यूबॉइड शेप की होती है। ओके दीज आर द वन वन एग्जांपल दैट आई हैव गिवन टू यू, यू कैन सी योर इन योर सराउंडिंग, यू गेट मोर एग्जांपल्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर, अब हम थ्री डायमेंशनल फिगर के नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट डायमेंशनल फिगर, दैट इज इन सिलेंड्रिकल शेप, this is a cylindrical shape, what it is, it is called cylinder, it is somewhat about your same looking like your lpg gas cylinder, iski shape hai kuch kuch gas cylinder ki tarah dikh rahi hai na, lpg gas cylinders hum jo use karte hain. ab ye banta kaise hai, see take a rectangle shape of paper, ab ek rectangle shape ka paper lo, usko just roll on kar do, curve kar do, you will see that it becomes your cylinder, cylindrical shape mein aa jayega। ये जो फेसेस है, ये वाला दिस इज अ टॉप फेस,
दिस इज अ बॉटम फेस, इट इज इन सर्कुलर शेप। ये कौन सी शेप में होगा हमारा? सर्कल शेप का होगा ये वाला, एंड सेंटर वाला क्या होगा हमारा? कर्व शेप का होगा। इसको रोल ऑन करके बनता है। ओके, इसका एग्जांपल क्या? द गैस सिलेंडर। नेक्स्ट इज योर कोन। नेक्स्ट फिगर क्या है हमारी? कोन। इसके लिए एग्जांपल क्या है? द बर्थडे कैप्स। इसकी शेप कैसी कैसी लग रही है? जैसे हमारे बर्थडे कैप की होती है। बर्थडे कैप कैसे होती है? कैप होती है, उसमें क्या होता है? नीचे एक क्यूब होता है। मतलब बेसिकली क्या किया है इसमें? एक ट्रायंगल ऊपर, ऊपर हमें क्या दिख रहा है? ट्रायंगल है, और नीचे वाला पार्ट क्या है? दैट इज अ सर्कुलर इन शेप। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्फीयर। व्हाट इज स्फीयर? स्फीयर किसे कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्फीयर। व्हाट इट इज कॉल्ड? स्फीयर किसे कहते हैं? अ बॉल, अ फुटबॉल, अ सॉकर बॉल, कोई भी बॉल है उसकी शेप जो होती है वो कौन सी होती है? अ स्फीयर। आवर अर्थ इज ऑल्सो लुक लाइक अ स्फीयर इन शेप। जो हमारी अर्थ है वो भी किस शेप में है? स्फेरिकल इन शेप। एंड द लास्ट फिगर ऑफ थ्री डायमेंशनल इज अ पिरामिड। जो लास्ट थ्री डायमेंशनल फिगर है वो कौन सी है हमारी? पिरामिड। अब पिरामिड कैसे बना है? बेसिकली क्या है पिरामिड के अंदर? हमारे ट्रायंगल्स जो हैं वो जॉइन हुए हैं लाइक दिस। इसको जो नीचे का बेस है वो सर्कुलर शेप में नहीं होता, इट इज ऑफ स्क्वायर इन शेप। वो कैसी शेप का होता है? नीचे वाला बेस वो स्क्वायर शेप का होता है। स्क्वायर नीचे है, ऊपर से क्या लगा हुआ है? बाकी साइड जो है इसकी ट्रायंगुलर शेप में। ये किच कुछ कैसा दिखता है? इट जस्ट लाइक योर प्रिज्म, प्रिज्म की तरह दिखता है। इट इज इन अ पिरामिड शेप। इजिप्ट के जो पिरामिड है वहीं से इसको नाम मिला है, पिरामिड शेप। दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स। जिनके बारे में हमने डिस्कस किया वो क्या था? ये सब के सब हमारे अभी भी शेप्स के बारे में था। आई होप यू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी शेप के बारे में आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका इसका रिप्लाई वहीं पर दूंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।